नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का आज सवेरे में। कहा जाता है कि हर दिन की शुरुआत अच्छी सोच, अच्छे ख्याल के साथ हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। आशा करते हैं आज का दिन भी आपका बहुत सुखमय होगा। तो सबसे पहले आज का विचार। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र चित्त होना पड़ेगा। हर दिन में बहुत सारे लम्हे होते हैं और हर लम्हे का भी अपना महत्व होता है, लेकिन दिन के लिहाज से अगर बात की जाए तो इतिहास में आज का दिन क्या महत्व रखता है, आइए जानते हैं। आज ही के दिन सन 1897 में प्रसिद्ध बंगला एवं अंग्रेजी लेखक और विद्वान नीरद चंद्र चौधरी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1937 में देश के मशहूर वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 2002 में नाइजीरिया में होने वाली विश्व सुंदरी प्रतियोगिता को लंदन ले जाने का फैसला लिया गया था। हम जब बच्चों की बात करते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि आज के दौर में बच्चे जो हैं उनकी भी सोच, उनका भी अंदाज जो है वो बदल रहा है। क्यों बदल रहा है इसके बारे में शायद हमने सोचने की ज़्यादा कोशिश नहीं की है। और निदा फाजली का एक शेर भी है, वो कहते हैं कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। वाकई बच्चों की जब मासूमियत की बात करते हैं तो सिनेमा के लिहाज से तो ख़ास तौर से हम कह ही सकते हैं कि बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो बच्चों के लिए फिल्में बनाते हैं, बच्चों के साथ फिल्में बनाते हैं, बच्चों को जहन में रख कर फिल्में बनाते हैं। आज सवेरे में हमारे खास मेहमान पद्मश्री नीला माधव पांडा जी। कहने की आवश्यकता नहीं है, आई एम कलाम फिल्म आप सबको अच्छे से याद होगी। नीला जी, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। तो कहाँ से सिलसिला शुरू करें, क्योंकि आपकी तो हर फिल्म कुछ कहती है। सिलसिला जो आपने जैसे शुरुआत की ना, बहुत सुंदर सी शुरुआत की, आई थिंक दैट इज टस्ट मी, बिकॉज जो बात कही आपने उसी बात को रख के मैं अपनी जो कलाकारी, जो छोटी सी कलाकारी है कि सिनेमा बनाना जानता हूँ, कहानी बनाना जानता हूँ, और एक अपनी कोशिश रही इतने 10-15 साल में ऐसे छोटे छोटे कहानी बोलने की। हमारी संस्कृति में अगर देखेंगे, भारतीय संस्कृति में बच्चों को कितने प्राधान्य दिया जाता है। अगर लास्ट पिछले 70-80 साल में भी जाएंगे भी, तो नेहरू जी से लेकर अब तक की बात, हमारी जितने किताबें हैं, कविताएँ हैं, काफ़ी सारे चीज़ें बच्चों की आधारित होती है, और बहुत सारे कहानी, बहुत सारे बातें होती है। जैसे आपने अभी कहा कि 1970 से लेके अभी तक एक सडनली जो टाइम आया, डेवलपिंग नेशन, इंडिया एज अ डेवलपिंग नेशन, हर कोई एडल्ट होने लगा जी। आई थिंक कोई बच्चा नहीं रहा इस देश में, और जो छोटे बच्चे को भी हम एडल्ट जैसे ही ट्रीट करते हैं। उसको सिनेमा दिखाएं तो अभी राउडी राठौर एडल्ट सिनेमा हो जाती है, यू नो हैप्पी न्यू ईयर एडल्ट सिनेमा हो जाती है। हम बच्चों के ऊपर एक जो कॉन्शियसनेस, जागृता होती है ना, वो ना हमारे लेखक में है, ना हमारे कहानी बोलने वाले फिल्म मेकर्स में है। तो आप देखेंगे 1200-1400 फिल्म में सालाना 2 या 4 बच्चों की फिल्में बनती हैं। तो अगर रेशियो देखेंगे, जहाँ पे वाजपेयी साहब ने जो कहा था कि ये यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, हमारी यूथ एंड चिल्ड्रन पॉपुलेशन वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ रेशियो, आई थिंक सम 35 और 38%, उसके बावजूद वी डोंट क्रिएट एनी कंटेंट फॉर द चिल्ड्रन ना। उसमें मेरी सिंपल सा ये था कि मैं, आप बाकी लोग एज अ सेल्फिश नेचर में कहूँगा कि मैं अपनी जो इनोसेंस, अपनी बचपना रखने के लिए मैं बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और मुझे उसमें मज़ा आता है, क्योंकि जब बच्चों के साथ कहानी शुरू करता हूँ, एक बच्चे की थॉट, माई रिसेंट फिल्म जो भी है, मैं इधर एजेड, अभी जो कड़वी हवा है, एक ओल्ड एज 70 ईयर्स ओल्ड बुढ़ा की कहानी है, या फिर बच्चे की कहानी, इस बीच में जितने लोग हैं वो दोनों आपकी कनेक्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ से दुनिया शुरू होती है, यहाँ ख़त्म होती है। आपने कहा आप जो छोटा सा काम कर रहे हैं, अब वो छोटा सा काम अगर हम कहें, हम कड़वी हवा पे आएंगे जो आपकी अब फिल्म आई है उस पे हम आएंगे, लेकिन हम आयम कलाम से शुरू करते हैं, क्योंकि वो फिल्म आपका छोटा सा काम इतना बड़ा हो गया कि मुझे लगता है कि कौन सी कंट्री बची है पता नहीं जहाँ से उसको अवार्ड नहीं मिला है। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबली भी हम देखते हैं कि बच्चों पे वाकई फिल्में नहीं बन रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इनोसेंस की जब बात करते हैं, सिंप्लिसिटी की बात करते हैं, सेंसिटिविटी की बात करते हैं, वो आई नहीं रही। तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि आपको बच्चों के लिए फिल्म बनानी है? मैं अपनी जो स्ट्रगल रही बचपन में, तो बचपन की कई सारे ऐसे बातें थी जो मेरे को बोलना था एज अ कलाकार। मेरे को फिल्म ना अवार्ड के लिए बनाया था, ना मेरे को कोई इरादा था कि एजुकेशन सिस्टम को बदल दूं इसलिए बनाना था, या पैसे बनाना था।
एक सिंपल सी विश था कि मेरी अपनी कहानी बोलनी है, चाहे वो एजुकेशन के रूप पे आया, बट एक एक बच्चे की ख्वाब, दैट वाज ऑल अबाउट आई एम कलाम, कि अब उसकी ख्वाब क्या है, उसको ऐसे ही ख्वाब देखा मेरे अपने बचपन में था वो। मेरे एक कज़न ब्रदर आता था, आर्मी में था वो, जब भी आता था तो मैं उसके साथ बाहर जाने के लिए टू इम्प्रेस हिम मैं नया कपड़े बना के रखूँगा, बाल को तेल लगा के अलग अलग स्टाइल करके रखूँगा, वो छोटे छोटे मुद्दे। तो फिल्म बनाने का मेन ये भी इंटरेस्ट है कि लोग ये सब छोटे इनोसेंस भूल गए हैं, तो अपने आप को तो बचपना अपने आप को एक 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 इनोसेंट इनोसेंस हुए में देखना भूल गए वो अलग बात है, इसके चक्कर में आप अपने बच्चों को भी और इनोसेंट नहीं मानते हो, यू ट्रीट देम एज एडल्ट, ऑल वन कुड कंसीडर दैट ट्रीट देम एज अ पर्सन, नॉट इवन एज अ चाइल्ड, पर्सन, कि इस बच्चे की इतना ही अहमियत है इस घर में, इस संसार में, जितना कि मेरी भी अहमियत है। अहमियत अभी हमारे लिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मुझे कौन सी कितना पैसे मिलेगी, मेरी करियर कितना सक्सेसफुल है, वो अहमियत है। अब जब ये अहमियत देखते हैं तो आपकी जो नया जनरेशन आ रहा है उनकी अहमियत समहाउ इट विल बी लॉस्ट इन द वर्ल्ड, ही और सी विल बी अनदर, यू नो, यू डोंट नो व्हिच डायरेक्शन दे गोइंग, ओके। तो बात आती है वापस आई एम कलाम पे, आई एम कलाम गिव्स यू दैट वन ब्यूटीफुल स्पिरिट, दैट एक छोटा सा बच्चा का ख्वाब होता है। एक बच्चा गांव से आता है जहाँ पे अनपढ़ गवार कोई कोने की गांव जहाँ पे आज तक बिजली भी नहीं गया होगा, एक ढाबा पे काम करता है, वो ढाबा पे सिर्फ एक ही चीज़, जब लोगों से मिलता है उसकी एक एक्सपेक्टेशन दिखता है कि लोग अंग्रेजी में भी बात करते हैं, एक लैंग्वेज है फ्रांस, एक अंग्रेजी लिटरेचर में लिखा जाता है नंबर 2, 3, 4, कुछ एक विदेश बोल के जगह होता है, ये सब चीज़ें धीरे 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 वो एक्सप्लोर करता है। छोरा ने काम पे लगा लियो, चार पीसा कमावे को तो कर्जो उतर जावे को। मने टाई पहन के बड़ा आदमी बनना है, नाम कमाना है। तू उठे पैसे कमाने आया है के पढ़ने आया है? गरीब बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पाते बाबा साहब? किस्मत कौन सा किस्मत? किस्मत से लड़ना छोड़ दे बेटा, किस्मत कौन ही होती, सब कर्म होता है। ये कौन है जिसे सब कम्मा गनी कर रहे हैं? कैसे किंग नहीं, कैसे कलाम। हर बच्चा लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है और राष्ट्रपति कलाम भी बन सकता है। नीला जी, आप जो बता रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये फिल्म सबको पसंद आती है, हर स्टेटा के लोगों को, ग्लोबली लोग इस फिल्म को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, क्रिटिकली बहुत एक्लेम इस फिल्म को मिला, लेकिन कहीं ऐसा लगता है आपको कि लोगों की आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया, उनको आपने आईना दिखा दिया कि बच्चों को लेकर सेंसिटिविटी हमारी जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है? ये तो सही बात है, बिकॉज अब देखेंगे, एक होती है कि आप लॉ बना लें कि यू बाउंड टू बी सेंसिबल अबाउट किड्स, जो आप यूरोप वगैरह में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर देखेंगे ऐसे कई देश हैं जहाँ पे रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गया है, तो सरकार पेंशन दे दे के उनकी ट्रेजरी ख़त्म हो रही है, वो लोग डेस्परेट हैं बच्चे पैदा करने के लिए। यहाँ पे हम पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम करते हैं, लेकिन वो जो पॉपुलेशन की बात करते हैं, हम अगर थोड़ी सी सेंसिबल रहेंगे इस जनरेशन पे तो बहुत कुछ बदल सकता है। और बदल में एक मास मूवमेंट, मैं कोई सरकार या एनजीओ नहीं हूँ कि मैं बदलाव की बात करूँ, मैं एक कलाकार हूँ, कलाकार के हिसाब से अगर बात करूँगा, एक बड़ा एक छोटी सी बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ डॉक्टर कलाम साहब ने कहा था, उनके घर जब गया था उन्होंने मेरे को पूछा, बड़े ऐसे हंसी मजाक में बात हो रही थी बच्चों के साथ, और उन्होंने कहा कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, आई सेड सर आई ग्रो अप इन अ जॉइंट फैमिली बट नाउ इन अ न्यूक्लियर फैमिली, मी माय वाइफ एंड अ चाइल्ड रुइंड। आई वाज लाइक आई केम बैक एंड कई दिन सोचा, तो सही बात कहा उन्होंने कि अगर हम देखेंगे हर किसी की इंडियन को, आप एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओके। मेरे परिवार में मेरे फादर की और तीन भाई, चार भाई, ड्यूरिंग समर सारे बहनें और मौसी और बुआ होके हम 40-50 जने एक घर में रहते थे गांव में। तो आप लिटरली ऐसे एक जगह पर रहते हैं जहां पे महाभारत है, जी, कौरव पांडव की महाभारत, कुरुक्षेत्र में बैठे हैं,
तो मेरे को जब पूछा जाता है आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से लाते हैं, ऐसी सेंसिबिलिटी कहाँ से लाते हैं जब बोलते हैं, मैं तो बोला भाई मैं तो महाभारत में ग्रो किया हूँ, मैं जेलसी क्या है, गुस्सा क्या है, शेयरिंग क्या है, दुख क्या है, सब बचपन से मालूम है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सेंसिबिलिटी एक जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा आता है। जैसे मेरा एक बच्चा है, उसको अब एक बच्चा है तो ऑब्वियसली आप इतने अहमियत देते हैं, वो बच्चा बहुत सारे सेंस उसका कटअप हो जाती है, शेयरिंग पावर तो होती ही नहीं है, बिकॉज ही नोज ओनली हिम। ओके, सो इस हिसाब से हम अपने आप को अगर देखेंगे आप, जो मैंने फिर वापस जाएंगे भारतीय संस्कृति के ऊपर, हमारी कल्चर, हमारी परंपरा, हमारे परिवार के ऊपर जाएंगे, तो परिवार कैसे कटअप होते होते आप लिटरली वन पर्सन, यू आर एलोन। आई एम कलाम, ये टाइटल जो फिल्म का आपने दिया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए ये सिंपल सी अब क्या बोलेंगे परिभाषा है, एक आइडेंटिटी, हो सकता है कलाम साहब हो सकते हैं, हो सकता है कोई भी, इट्स आई एम, मेरी अपनी अहमियत क्या है देश की। आप अगर दिल्ली बम्बई की बात करें तो आई थिंक ओवर 50% पॉपुलेशन इन दिल्ली, ओवर 50% पॉपुलेशन इन बॉम्बे लिव्स इन द स्लम, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनको कोई गिना नहीं जाता है, गिना जाता है सिर्फ जिनके पास घर है, गाड़ी है, ये है, ये लोग कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग, ये लोग भारत की ब्यूटीफुल विलेजेस फ्रॉम राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा, बिहार से आते हैं, अपने गांव छोड़ के आते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। तो वैसे ही ये बच्चे का स्ट्रगल सिर्फ इतनी सी थी कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। आई एम, इट कुड हैव बीन, इट इज़ आई एम कलाम, इट कुड हैव बीन आई एम शास्त्री जी, आई एम नेहरू, और आई एम सचिन तेंदुलकर, आई एम एनीबडी, बट इट इज़ मी। जो आइडेंटिटी हम, दिस आर कॉल्ड मिसिंग पॉपुलेशन, जिनको हम गिनते भी नहीं हैं, केयर करना तो भूल जाइए जी। और आपके घर में भी रह के वो बच्चे को आप कहाँ गिनते हो। बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, मेरे को कहीं पे एक यूरोप में क्वेश्चन किया गया था, सो हाउ डिड यू डेल्ट विद ब्रिटिश रूल इन द फिल्म, आई सेड वेयर इज द ब्रिटिश रूल इन द फिल्म, आई सेड ऑब्वियसली आई सॉ दैट, आई सेड वेयर डिड यू सी दैट एंड आई न्यू दैट। ओके, सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आप देखेंगे एक राजा और एक रंक, राजा का बेटा, रंक का बेटा, तो हो वाली कहानी, अंग्रेज चले गए, आदत नहीं गई, मेरे पास पैसा है तो मैं रूल करूंगा, हु आर यू। एक राजा एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना लगता है, लेकिन एक सेंसिबल बच्चा, उसका बेटा को समझ में आया कि इसको पढ़ना जरूरी, इसको पढ़ने का मन है, इसको किताब का मन है, वो जाके घर से छुप के उसको किताबें देता है। आप राजा हो जिसकी काम है आप नहीं करते हो, ये जो इम्बेलेंस सिस्टम है उसके वजह से भी हम इतना सफर किए हैं इस देश में जी। बेसिकली एक पुअर को पढ़ने नहीं देता कभी, ये डोमिनेंसी चलते आ रहा है। आप कौन हो, यू आर अनदर ह्यूमन बीइंग, इफ यू हेल्प द अदर पर्सन यू विल ग्रो, व्हिच इज वेयर दिस चेंजेस केम, देन जहाँ पे कंपनीज की सीएसआर होने लगा कि सीएसआर, एवरी कंपनी शुड हैव सीएसआर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद धीरे धीरे बदलाव, अब अगर देखेंगे लास्ट 10-12 साल में काफ़ी सारे बदलाव आया है। तो नीला जी, हम जैसे कि बात कर रहे थे, बच्चों की बात चल रही है, और आपने कहा कि बच्चों के ऊपर अब जर्नल्स पहले आते थे, मैगजीन्स आते थे, फिल्में भी बना करती, लेकिन अब तो बिल्कुल जैसे सब कुछ थम सा गया है, क्योंकि हमने बच्चों को एडल्ट मानना शुरू कर दिया। ये बहुत गहरी बात आपने कही है, हम लोगों ने शायद इस तरह अभी तक सोचा भी नहीं, तो हम क्या इस पर काम करेंगे, अब बच्चों को ट्रीट करेंगे। लेकिन आप जब एज अ डायरेक्टर एक फिल्म ऐसी लेकर आते हैं जिसमें बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो जब उस लेंस से अगर आप देखते हैं, तो बच्चों के साथ काम करना अपने आप में बच्चा बन जाना होता है, वहाँ पर किस तरह से डील किया आपने? देखिए एक तरह से देखेंगे तो आप किसी को भी पूछेंगे बच्चों के साथ फिल्म बनाना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान मानता हूँ, क्योंकि आप सिंपली यू पुट इन देयर ब्रैकेट, आप खुद बच्चे बन जाते हैं उनके साथ, और आपकी गुस्सा, आपकी नखरा, आपकी जेलसी, सब कुछ उनके हिसाब से रखेंगे तो आप करेक्ट फॉर्म पे जाएंगे। द मोमेंट आप लड़ाई करेंगे एक एडल्ट, यू एज एन एडल्ट डायरेक्टर बच्चे के साथ, तब आपकी सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। और मेरे साथ ये है कि मेरे को शायद एडल्ट से ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ बच्चों के साथ काम करना, बिकॉज एडल्ट आते हैं बहुत सारे प्रेजुडिस के साथ, अरे डायरेक्टर ऐसा है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को वो करना है, वो अपने मतलब जितने रुबाब है वो लेके आते हैं, एक बच्चा अपने इनोसेंस लेके आता है। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट छोटा सा इनोसेंस,
आप फिट बैठ जाते हो, आपको उनके हिसाब से फिट बैठना होता है जी, उनके साथ आपका नहीं। तो एक हिसाब से देखेंगे तो एक एक कॉम्प्रोमाइज कुछ लेवल तक होती है, बिकॉज उस पर क्या होती है, उनकी एक हेल्थ के ऊपर बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है। ओके क्योंकि सेट एक फिल्म सेट जैसे होती है, इट्स अ बिजार वर्ल्ड, और मैं कभी स्टूडियो में शूट नहीं करता, ऑन लोकेशन शूट करता हूँ। तो उस पर क्या होती है, आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बिकॉज बहुत ध्यान देना पड़ता है बच्चों को। एंड आई डोंट ट्रस्ट एनीबडी, नॉट इवन पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को भी ट्रस्ट नहीं करता बच्चों को कैसे रखेंगे। सो मेरी पर्सनल अपनी केयर रहता है, बट उसकी फायदा ये होती कि उस बच्चे की ऐसे नुआंसेंस पता चलता है जो मैं सिनेमा में एक्सप्लोर कर पाता हूँ। ये nuances makes a film better. Again, back that उसकी innocence आपकी समझ में आई तो आपको फिल्म, और बच्चों की स्क्रिप्ट में एक बड़ा बढ़िया फायदा मिलता है, आप स्क्रिप्ट चाहे कैसा भी लिख लो, जब बच्चे के साथ शूट कर रहे हैं ना, एवरी सीन इज अ न्यू एक्सप्लोर, न्यू आइडियाज, वो बच्चा किस हिसाब से उसको डील करेगा। एडल्ट के साथ आप विजन रखते हो, बच्चे के साथ विजन नहीं रख पाते हो, खुद एक्सप्लोर करना चाहता है बच्चा, तो आप डिजाइन एक्टर है नहीं ना कि 10 फिल्म करके आया है। एंड मुझे हमेशा प्रेफरेंस होती है कि बच्चे की पहली फिल्म होना चाहिए। ओके जैसे बच्चा ये टैलेंट शो, और बाप माँ जो अरे मेरा बच्चा का फोटोग्राफी किया हूँ, ये बच्चे को देखो, ये बच्चे समाओ, पता नहीं अच्छे भी हैं बट मैं नहीं, पॉलिश ज्यादा होते, रॉ और नेचुरल तरीके से नहीं आ पाते, वो आके एक्टिंग करना शुरू करते हैं, मुझे एक्टर्स नहीं चाहिए, तो मैं पूरा नॉन एक्टर फ्रेश बच्चे उठाता हूँ, और वो बच्चे अपने आप हीरो बन के जाते हैं। और मैं एक ही चीज बोलता हूँ, इसके बाद बेटा पढ़ाई करना। आप अगर देखेंगे मेरे सारे बच्चों की फिल्म भी सारे समर वेकेशन में शूट करता हूँ, मैं कभी स्कूल डिस्टर्ब करके शूट नहीं करता हूँ। आप कभी बात कर रहे हैं नीला जी, सेंसिबिलिटी, सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें बार बार निकल के आ रही हैं। आई थिंक इट्स वेरी मच विद इन यू, इट्स पार्ट ऑफ बींग योर सेल्फ। आप जो हैं वो कहीं ना कहीं उससे इतना गहरे जुड़ा हुआ है कि वो साथ चलता है आपके। लेकिन आपने बच्चों के साथ हेल्थ की जो बात की अभी, अगर आपसे पूछें कि अपने आप को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए आप क्या करते हैं तो क्या कहेंगे? मैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है डायरेक्टर के लिए, बिकॉज आप जितने स्ट्रेसफुल जिंदगी जीते हैं, आप देखेंगे तो मैं अगर 40 दिन शूट कर रहा हूँ तो 40 दिन ऑलमोस्ट खड़े होकर रहता हूँ, सो भी नहीं पाते हैं आप। तो मेरी साइकिलिंग, जिमिंग, योगा, सब कुछ मैं करता हूँ। नीला जी, हम जब बात कर रहे हैं एम कलाम की, तो यात्रा थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। अब उसके बाद जितनी फिल्में आपकी आती हैं, जलपरी पर हम लोग आएंगे, अब 2010 में एम कलाम आई, उसके बाद आपने बनाई जलपरी, उसका भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं फिर बच्चों को लाकर और फिर सोशली रेलिवेंट, तो आप कुछ सोच के ऐसी फिल्में बनाते हैं, थीम्स लेके आते हैं, या वो आपके साथ चलते हैं? थीम जो है वो मेरे अंदर से निकलती है, और जब एक कहानी दिमाग में आती है कि ऐसी कहानी बोलना है तो मैं उसमें लग जाता हूँ, और लग के उसको जब तक बना के रिलीज ना कर लूँ मैं छोड़ता नहीं हूँ। ये मेरे एक प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं और अच्छाई भी बोल सकते हैं। तो इस हद तक होती है कि घर में झगड़ा होती है, बहुत कुछ प्रॉब्लम आती है, इसलिए कि एम कलाम में घर बेच दिया, एक फिल्म में दूसरा एक छोटा सा जमीन लिया था उसको बेच दिया। तो इस लेवल तक आपको जाना पड़ता है, बिकॉज वो एक आर्टिस्ट की ये जो सिनेमा की जो कहावत है ना, उसकी दुनिया चली गई, उसकी बीवी छोड़ के भाग गई, वो ये हो गया, ये सब होती है, बिकॉज आप एक कलाकार है, आप और कुछ नहीं देखते हो जब वो सिनेमा को देखते हो। तो ये सफ़र हमारे लिए एक एक डेली सफ़र है, और हर नई फिल्म अपने आप एक ज़िंदगी लेके आती है, अपने आप एक एक सोच लेके आती है, हो आपको आगे बढ़ाएगा डुबाएगा, ये वो सिनेमा की डेस्टिनी है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आई बिलीव इन दैट थ्योरी, अगर उस थ्योरी पे नहीं बिलीव करता तो मैं स्टूडियो में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फिल्म कर लेता। तो नीरज जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, इसमें तो फिर और ज़्यादा दिक्कत इसलिए हो जाती है कि जब घर बेचने की नौबत आ जाए, कोई आपको फंड्स प्रोवाइड ना करे, फिल्म को स्पॉन्सर ना करे, ऐसे में आप जो हम कहते हैं कि ईजी रूट चूज करने की बजाय में फिर ऐसी अटेम्प्ट करते हैं, तो वो ड्राइविंग फोर्स क्या है? एक आर्टिस्ट के लिए ड्राइविंग फोर्स वही पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म ही है, इसमें सक्सेस और फेलियर की बात नहीं है। जैसे मैं कहूँगा मेरी दो ऐसी भी फिल्में हैं जो बुरी तरह से फेलियर हुआ लोगों के लिए, मार्केट के लिए, मतलब एक भी पैसे वापस नहीं आए, अवार्ड भी नहीं मिली, बोले कि ये तो फेल है। मेरे लिए वो फेलियर नहीं है, बिकॉज मैंने
इतना ही मेहनत किया, इतना ही सोच के एक एक्सपेरिमेंट किया, बिकॉज एक आर्टिस्ट के लिए एक नया स्टोरी, नया कहानी, नया पेंटिंग इज़ अ न्यू एक्सपेरिमेंट। हर रोज आप नए सपने के साथ, नए कला के साथ, नए थ्योरी के साथ जीते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। आई मीन इट्स अ सिमिलर वे, एक बिजनेसमैन के लिए भी कल दुकान चलेगी कि नहीं उसको कैसे पता? बिल्कुल। तो कौन सी बड़ी बात होगी? हमारे लिए ज़्यादा रिस्क ये हो जाती है कि हम इट्स अ सॉफ्ट बिजनेस इन अ वे, एक आपकी सिर्फ ब्रेन से ही वो चलती है और कुछ नहीं है। जब वो फेल हो जाती है, वो लोगों के लिए फेल हुआ, मेरे लिए नहीं। तो नई चीज़ें जो आती है, नई चीज़ें अपने तरीके से आती है, और मेरे लिए नई फिल्म मेरी थर्ड या फोर्थ फिल्म नहीं है, अगेन इट बिकम्स माई फर्स्ट फिल्म। सो अगेन वो मेरी पहली एक्सपेरिमेंट है, पहला आर्ट है, क्योंकि मैं आज अगर कड़वी हवा बनाया, कड़वी हवा तो पहले नहीं बनाया था ना जी, उसका फिल्म नहीं है। मैं इवन अगर आई एम कलाम की सीक्वल बनाऊं तो वो आई एम कलाम से कुछ लेना देना नहीं है, वो सोच का एक नया फिल्म है। मैं ये मानता हूँ, ये नहीं कि मेरे पिछले फिल्म ऐसा हुआ तो ये फिल्म उस लेवल पे जाना चाहिए। कोई ग्रामर, कोई मैथमेटिक्स इसमें नहीं है, सिर्फ एक नई क्राफ्ट है जी। लेकिन नीला जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोग आपको एक इमेज में बांध देते हैं, आपको एक अवार्ड मिल जाता है, नेशनल अवार्ड मिलता है, इंटरनेशनली ग्लोबली इस फिल्म को बहुत लोग पसंद करते हैं, क्रिटिकली एक्लेम मिलता है, तो अब नीला जी से एक उम्मीद बंधने लगती है कि अब तो ये उससे बेटर ही कुछ लाएंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सक्सेस एंड फेलियर की जो हम बात करते हैं, पैरामीटर्स कौन सेट करेगा? फिल्म कमर्शियली हिट है इसलिए वो फिल्म अच्छी है, इज इट द क्राइटेरिया और इज इट द डेफिनेशन ऑफ द सिनेमा? नहीं, उस हिसाब से अभी अगर देखेंगे एक बहुत बढ़िया परिवर्तन आया है। हम सिनेमा के लिए एक बहुत बढ़िया समय से गुजर रहे हैं अभी, जहाँ पे छोटी सी छोटी फिल्में, जैसे आप जो बोले सही बोले, आपको एक कारागार में रख दिया जाता है कि आप ऐसे ही फिल्में करो जी। और आपकी फिल्म अवार्ड होती है लेकिन बॉक्स ऑफिस नहीं होती है। जबकि आई एम कलाम देखेंगे तो इज वन ऑफ द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस। तो मेरे को लोग जब पूछते हैं कि आप कमर्शियल बनाते हैं कि आर्ट हाउस बनाते हैं, मैं बोलता हूँ भाई दोनों बनाता हूँ, दोनों चीज़ मेरे फिल्म में होती है, वो अवार्ड भी लेती है। आई एम कलाम अगर देखेंगे, जलपरी देखेंगे, तो दोनों बॉक्स ऑफिस, जलपरी वॉज अ स्लीपर हिट जी, तो सब कुछ बॉक्स ऑफिस में पैसे कमाए, तो मैं भी तो हिट फिल्में करूँ। फिर तो बात आती है अगर फिल्म की, बॉक्स ऑफिस की, तो अभी जो समय पे गुजर रहे हैं, आज एक न्यूटन भी 17 करोड़ कमाती है 3-4 करोड़ की फिल्म, ठीक है। आज एक ठीक है, उसमें अक्षय कुमार थे, बट अगर टॉयलेट एक प्रेम कथा देखेंगे तो एक सोशल, सो कॉल्ड सोशल इशू बेस्ड फिल्म मेड 100 करोड़ प्लस। तो हम भी उम्मीद रखते हैं कि ये सिनेमा की भी एक 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 इच्छुक ग्राहक, मतलब तो एक इच्छुक ऑडियंस ग्रो कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी ग्राहक हैं जो टिकट काट के। व्हाई दिस 100 crore to 200 crore, व्हाई दिस सेग्रीगेशन? ये स्लैब्स जो हम बना देते हैं, आपको लगता है क्रिएटिव काम को इस तरह से इवैल्यूएट करना कितना जस्टिफाइड है? एक तरीके से जस्टिफाई भी है। आप ये उम्मीद ना करें कि मैं आर्ट हाउस और सेंसिबल फिल्म बना रहा हूँ तो उनको डिनाई करूँगा। एक जस्टिफाई इस हिसाब से है कि क्योंकि एक प्रोड्यूसर, एक डिस्ट्रीब्यूटर जब 50-60 crore अपने बिजनेस में लगाते हैं, वो भी बिजनेस देखेंगे। एक स्टील कंपनी जब 2000 crore इन्वेस्ट करता है, वो 8000 crore की प्रॉफिट देखता है। तो एक प्रोड्यूसर भी जब पैसे इतना लगाता है, एक स्टार को देता है, प्रोडक्शन में लगाता है, वो बिजनेस देखेगा। आप तो नहीं 100 crore देखते बिजनेस? मैं आई मीन बिजनेस में देखता हूँ कि नहीं, वो आप एनालाइज नहीं कर सकते। मेरे लिए बिजनेस ये है कि डेफिनेटली एक फिल्म एक अजीब सी एक्सरसाइज है कि लोग ज़्यादा देखते हैं। मैं बोलूँगा मेरी फिल्म लोग ज़्यादा देखें, हो सकता है मैं भी इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तो ज़्यादा लोग देखेंगे तो मेरे बॉक्स ऑफिस बिजनेस बढ़ेगी। एंड डेफिनेटली मैं जब फिल्म बनाता हूँ तब कुछ नहीं देखता हूँ, तब मेरे लिए वो सिनेमा को अच्छा बनाना होता है। आज जब रिलीज में बैठा हूँ, हम भी देख रहे हैं कि कितने स्क्रीन में, अभी जैसे मेरी नई फिल्म आई, द डे वी रिलीज द ट्रेलर, हम छोटा सा रिलीज, मतलब 200-250 स्क्रीन लेंगे, छोटा सा रिलीज करेंगे और हम सोशल मीडिया में छोड़ दिया, एक 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 फेसबुक लाइव में कर दिया अपना ट्रेलर को रिलीज। हम सोचे कि शाम तक 1-1.5 lakh अगर व्यूअर्स भी क्रॉस हो जाए और बढ़िया कमेंट हो जाए तो हम मानेंगे कि अच्छा जाएगा। ये आप कड़वी हवा की बात कर रहे हैं? कड़वी हवा की बात कर रहा हूँ। अब सडनली सुबह उठा मैं, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी 1 million प्लस। क्या बात है। सो 10 lakh के ऊपर व्यूअर देख के, और फिर देखना नहीं, अगर उसमें अच्छी बातें कर रहे हैं तो मतलब ऐसे कंटेंट के लिए भी लोग जगे हुए हैं। सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज दुनिया के सामने एक बड़ा खतरा है। सर्दी में तापमान बढ़ने लगा है, खड़ी फसल को नुकसान हुआ। हजारों किसानों के लिए खेती से ज्यादा आसान है मौत को गले लगाना। कोई फंदा लटक मर रहे हो,
जहर खा के मर रहे हैं। अब इन बिहड़ में सिर्फ उन्हीं की चीखें गूंजती हैं। तो कहाँ के हो? ओडिशा का हूँ। स्वर्ग है भातो, हर तरफ पानी पानी, हवा की बड़ी कृपा है तुम सबों। हाँ, कुछ ज्यादा ही है। हमारे क्लास में एक लड़का कह रहा है कि साल में दो ही मौसम हो गए, गर्मी और सर्दी। बरसात को कहाँ गो? मौसम बरसात को साल में बस दो चार दिन ही पड़ते। सही कही उसने। हमारे बुक में तो चार मौसम लिखे है। पहले होते तो अब का नहीं। लला बिखरी समझाए क्या? पूरा 2000 रुपए चाहिए, नहीं तो कोर्ट आना पड़ेगा कल। लला जब हमारे यहाँ बच्चा जन्मत है ना, तो हाथ में तकदीर के जगह कर्जे की लकम लिख के लाते हैं। हाँ, क्या करें, सबका अपना अपना मजबूरी है। सत्ते काम पूरा होने के बाद जेल मिलो, बोलो लेना तो ले, नहीं तो जाओ। बहुत डर लगा था कि रोग कहीं हमारे मोड़ा को भी ना खा जाए। कौन सा रूप? वही हवा। अरे चाचा, आपके लिए नहीं तो मेरा परिवार के लिए कर दो चाचा। मेरा घर नहीं है, गांव नहीं है, सब समुद्र निकल गया है। उसको ढूंढते ढूंढते मेरा बाप समुद्र के अंदर चला गया। ए चाचा, हमारे जमाने में चार अलग अलग दिशन से खुशबू लेके आते वो। अबे ना जाने का हो गया उसको, जैसे बीमार हो गई हो। मैं बंजर, 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 मैं बंजर। हर कोई लिख रहा है, हर कोई शेयर कर रहा है। अब प्रमोशन तो अब सोशल मीडिया में ही सबसे ज़्यादा है, आपको वहाँ पे पता चलता है ये वो लोग हैं जो टिकट काटते हैं। तो अगेन जो बात कहा आपको कि हम एक अच्छे समय से गुजर रहे हैं, उसका ये सब रिफ्लेक्शंस है। अच्छे सिनेमा क्वालिटी कंटेंट को लोग देखते हैं। अब वो बॉक्स ऑफिस में भी बिजनेस कर रही है। अब प्लेटफॉर्म्स इतने हो गए हैं, पहले जैसे सिर्फ आप थिएटर में चलाते हैं, दूरदर्शन में दिखाते थे, कितने प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो बात यह कि जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प, बिकॉज हम फिर क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये कंटेंट के लिए हमारे जैसा आदमी पैसे कमाता है, तो हम और ऐसे फिल्मों लेके उसको बनाएंगे। हम तो कहेंगे फिल्म ही नहीं, एक्सपेरिमेंट अपने आप में आप करते हैं, कुछ नया इनोवेट करने की कोशिश करते हैं और क्रिएटिव एंगल से अपने आप को भी एक्सप्लोर करते जाते हैं, बिकॉज कैनवस आपके सामने जो है बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन नीला जी, हम जलपरी की बात करेंगे, उसके बाद बबलू हैप्पी है, देन कौन कितने पानी में, लेकिन कड़वी हवा का चूंकि जिक्र चला है, क्लाइमेट चेंज पे फिल्म है और ग्लोबली अभी से इस फिल्म को कहीं ना कहीं लोग जो रिकग्नाइज़ करने लगे हैं। यूएन की अगर बात करें, वहाँ भी जैसे कि सुनने में आया कि हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें वहाँ भी, और ओवरऑल भी इस फिल्म को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस अभी से मिलने लगा है ट्रेलर के बाद से ही। तो आपको लगता है कि ग्लोबल इशू पर फिल्म बनाना मुश्किल था अपने आप में? मैं एक यहाँ पर और एक पहलू लाऊँगा कि जैसे आप बिगिनिंग से कनेक्ट कर दिए कि बच्चों के ऊपर आप फिल्म बनाते हो, बच्चे कैसे कनेक्ट करते हैं जी। तो मेरे लिए इस फिल्म में भी वही बचपना है, चाहे बच्चे की कैरेक्टर नहीं है एज अ लीड रोल, बट इस फिल्म में एक मेजर सरप्राइज है जो एक बच्चे की सवाल से फिल्म है। जो बच्चा आप अगर ट्रेलर देखेंगे उसमें वो सवाल करता है, स्कूल में जब मास्टर जी पूछते हैं कि बच्चे साल में कितने मौसम होते हैं, तो कई सारे बच्चे चार बोलते हैं, कोई बोलता है तीन, एक बच्चा बोलता है दो। जो बोलता है दो, खड़ा हो जा तू, तेरे दो कौन कौन से हैं? वो बोलता है सर्दी को और गर्मी को। बोलता है बारिश को कहाँ गया? बारिश तो मास्टर जी कभी आती है कभी नहीं, एक आध बूंद पड़ जाती है गर्मी में। हमारे क्लास में एक लड़का कह रहा है कि साल में दो ही मौसम हो गए, गर्मी और सर्दी। बरसात को कहाँ गो? मौसम बरसात को साल में बस दो चार दिन ही पड़ते। सही कही उसने। हमारे बुक में तो चार मौसम लिखे है। पहले होते तो अब का ही नहीं। तो इतना बड़ा जो सोच है, वही सोच है कड़वी हवा कि यहाँ पे अब मौसम ही भी गायब होने लगे हैं।
बसंत ऋतु रहा ही नहीं है, इतने चीजें हो रही है, लेकिन आप सब आंख बंद करके रह गए। हम सब इस फिल्म की जो महत्व है वो है, एक अंधा बूढ़ा आदमी जो सोसाइटी में सबसे नाकार कर दिया जाता है, एक तो अंधा, उसके ऊपर बूढ़ा, उसके ऊपर गरीब, कोई पूछने वाला नहीं। वो लड़ाई करता है ग्लोबल वार्मिंग पे, वो लड़ाई करता है इस सवाल पे, वो सवाल करता है प्रधानमंत्री जी को, प्रेसिडेंट को, एवरी लीडर, ट्रंप को, सबको सवाल करता है कि मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, मैं क्या किया हूँ। जिसकी गांव में बिजली नहीं है, जिसकी गांव में एक गाड़ी तक नहीं जाती, वो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा आदमी जो सफ़र कर रहा है। वहाँ का वो बच्चा बोल रहा है कि मेरे पास तो दो मौसम बचे हैं, आप और कौन सी सवाल करेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज को लेके। तो इसलिए ये जो आए बात को कि हम बच्चों से लेके कि ऐसे कहानी लोगों के साथ काम करेगा क्या ना, क्योंकि लोगों को ये रिफ्लेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ये एक फिल्म है जो मेरे होल आइडिया है कि मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, कि मैं सोशल चेंज यू नो एनजीओ की सोशल मूवमेंट का एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, छोटे से कहानी में इतना सा बोलना चाहता हूँ, आंखें खोलो। एक अंधा आदमी अपना आँख खोल के बोल सकता है, तो आप नॉर्मल इंसान भी खोल सकते हैं। नीला जी, आपकी जो भी फिल्मों के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो थीम, जो इश्यूज आप लेकर आ रहे हैं, जो थोड़ा बहुत हम समझ पा रहे हैं वो ये कि बहुत ही सूक्ष्म से आप शुरू करते हैं और वो इतना विस्तार पा के व्यापक हो जाता है कि पूरी दुनिया उसमें समा जाती है, ये आपके व्यक्तित्व में है या आप सोच के ऐसे विषय लाते हैं? अब आपने एक बच्चे से पूछा कि मौसम कितने होते हैं, एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन पूरी दुनिया को उसमें समेट लिया आपने। सिंबॉलिकली एक व्यक्ति जो स्वयं नहीं देख सकता है, पूरी दुनिया को कह रहा है अपनी आँखें खोलो। आई एम कलाम में भी इस तरह की कोशिश आप करते हैं, जलपरी में होती है, बबलू हैप्पी है, कौन कितने पानी में, इवन टाइटल्स जो हैं वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। इतनी गहराई और इतनी सिंप्लिसिटी, दोनों को साथ में कैसे आप लेके चल पाते हैं? नहीं, ये बहुत टफ है, बिकॉज एक तरीके से आप कहीं पे इसमें गिर सकते हैं। वो है कि आप बहुत, जैसे सोशल इशू पे फिल्म है, मुद्दों के ऊपर फिल्म है, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इशू बेस्ड होके आप गिर सकते हैं मैसेजिंग करने के चक्कर में, जो मैं, मेरी कॉन्शसनेस वो नहीं रहती कि मैं ना गिरूँ बोल के, मेरी एक सिंप्लिसिटी रहती है, जो फिर वापस हमारे बिगिनिंग को ले लें तो वो बचपना पे जीता हूँ मैं, वो इनोसेंस पे जीता हूँ, वो इनोसेंस में जो सवाल आता है उसी चीज़ को मैं ड्रामा में लाता हूँ। तब आप ना इशू आती है, ना मैसेजिंग आती है, सिर्फ एक कहानी बोलती है। कहानी मेरी चंबल की एक छोटी सी गांव की कहानी है, बट वो कहानी मॉस्को की शहर में देखें या लंदन में देखें, अब जैसे कैलिफोर्निया का एक आदमी ने देखा, बोला मेरे यहाँ पे यही कहानी है। कैलिफोर्निया वो है जो आप लास्ट 10 साल में ग्रीन से येलो हो चुका है, द बिगेस्ट ड्राउट इन अमेरिका इज कैलिफोर्निया ड्राउट। तो चंबल और कैलिफोर्निया में क्या अंतर रहा? दोनों तो आदमी, यहाँ के आदमी जो सफर कर रहा है ये बूढ़ा, वहां पे भी वो आदमी सफर कर रहा है। तो मेरे लिए इसमें मैसेजिंग और क्रिएटिविटी क्या दिखाऊंगा? मैं तो इस आदमी की कहानी बोल रहा हूँ ना, आप कहाँ रिलेट कर रहे हो आप बताओगे? मैं आपके हिसाब से मैसेजिंग नहीं कर रहा हूँ। अरे अमेरिका में वो आदमी समझेगा मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, मैं ये नहीं देखता, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास एक ही क्राफ्ट है, एक कहानी को बोलना, मेरी हर सीन में वो कहानी है कि नहीं। जी, लेकिन इस तरह के जब इश्यूज़ को आप लेकर आते हैं जो सोशली इतने रेलिवेंट हैं, प्रोमिनेंट हैं, और जिन पर बात होने के लिए अलग अलग फोरम प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं हम लोग, उस पर कंप्लीट फीचर फिल्म लेकर आना जिसमें प्रीचिंग नहीं है, डॉक्यूमेंट्री का हार्ड कॉर ट्रीटमेंट नहीं है, एक सिंपल फिल्म है, किस तरह से आप सोच पाते हैं? कोई अर्नेस्ट एफर्ट इसके लिए आपकी होती है कि इस सोशल सीरियस मैटर को भी मुझे इस तरह से हैंडल करना है? ये रिस्क है कम्प्लीटली। ये रिस्क इसलिए है कि आप जब ऐसे बात बोलोगे, मेरे को याद है मैं जब आई एम कलाम बनाया था, आई एम कलाम जब बनाया था, मेरे अच्छे मित्र जो स्टूडियो वगैरह में काम करते हैं, अलग अलग जगह पे काम करते हैं, वो बोलते थे कि अरे ये तो छोटा सा टेलीफिल्म है, ये क्या होगा। वो फिल्म सक्सेसफुल हुआ, फिर धीरे धीरे दूसरी फिल्में सक्सेसफुल हुई। आज सच बताएं तो आज मैं ये फिल्म बनाया हूँ बोल के इतने दूर पहुँचा। एक हो सकता है नई न्यूकमर होता, ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता तो नहीं पहुँच पाता। रिस्क
की बात नहीं है, आप कहानी कुछ भी एक फीचर फिल्म हो सकता है, एक सिंगल मैन से फीचर फिल्म देखें, आप कास्टवे देखें, राइट, एक आदमी समंदर के बीच में एक टापू पे, वहीं पे पूरी फिल्म खत्म हो जाती है, तो वो भी इतना बड़ा फिल्म था। तो मेरे को ये था कि एक एक ऐसा आदमी जो डिफंक्ट है सोसाइटी के लिए, बट ही इज द पर्सन प्रॉब्ली, एंड ये इंस्पायर्ड है इन अ वे, मेरे अपने एक दादाजी थे जो ब्लाइंड थे, और पूरी गांव में सबसे ज्यादा उस आदमी को ज्ञान था, किसके घर पे बच्चा हुआ, किस बच्चे को भी, कौन से बच्चा बीमार है, हम बच्चों के लिए मिठाई से लेके हमारा केयर, सब कुछ वही जानते थे। ही वॉज मच मोर फंक्शनल एबल देन अ नॉर्मल पर्सन, व्हाट वी कॉल नॉर्मल एंड स्पेशली चाइल्ड, दे आर नॉट स्पेशल। सो ये और एक रूपांतर है, मोर कंसर्न्ड, ये और एक रूपांतर है इन द फिल्म की, डिसेबिलिटी को कितने आप नॉर्मल तरीके से मानते हैं। तो नीना जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपने जब पहली फिल्म बनाई फीचर फिल्म, उससे पहले आपका स्ट्रगल तो बहुत समय से चल रहा था, और 70 से ज़्यादा शायद आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की अगर बात करें, शॉर्ट फिल्म्स की बात करें, वो वहाँ से पूरा एक्सपीरियंस लेके आपने इस तरह की अटेम्प्ट की, तो वो दौर कैसा रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। स्ट्रगल एज अ आर्टिस्ट आपकी ज़िंदगी भर की है, तो कोई भी फेस आप बोलेंगे कि ये फेस स्ट्रगल था, तो मैं नहीं मानूंगा कि आपकी एक फेस स्ट्रगल था। आपकी एज एन आर्टिस्ट यू ऑलवेज स्ट्रगलिंग, आज पैसे के लिए, कल काम के लिए, परसों नए कहानी के लिए, तरसों वो कहानी की सक्सेस के लिए, ये एक एक दौर आपकी, आप यू नो, मेरे को एक 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 राइटर बंधु है, तो जब मैं दुखी हो जाता हूँ फोन करता हूँ, तो तेरे बाप ने बोला था तेरे को फिल्म बनाने जी तो बात सच है, किसने बोला तुमको आने के लिए, पढ़ाई करके मास्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, सुखी सुख था, इसमें वो सुख नहीं है। एज अ कलाकार इट्स अ फाइट फॉर योरसेल्फ, यू फाइट विद इन योरसेल्फ ऑल द टाइम, एंड इस लड़ाई को आप जब बोलो लड़ाई बोलोगे, तब आप डिप्रेशन में जाओगे, तब आपके लिए फेल्यूर है। ये लड़ाई को आपको, दैट हैज टू गिव यू चार्म, वो चार्म में आप रहेंगे तो आप जिंदा रहेंगे, बढ़िया चीज करेंगे, बढ़िया खराब तो लोगों के लिए है, बट आपको करते जाना है जी। इसको ऑपोजिट भी होता है कभी कभी, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी होती है। हाँ डेफिनेटली, आई मीन विद इन दैट, उसी में सब कुछ है आपका। जैसे आप एक फिल्म भी बनाते हैं, दो दो तीन तीन साल तक पड़ा रहता है जी। कोई देखा नहीं, जंगल में मोर नाचा कौन देखा, आप उसी में आप अपने आप को सीमित करके रखते हो। जब लोग देखते हैं, दो तालियां मारते हैं, चार स्टार मिल जाती हैं, तो खुशी मिलती है आपको। खुशी की आप बात कर रहे हैं कि जब लोग देखते हैं, ताली मारते हैं, ताली के अलावा जब अवार्ड्स मिलते हैं तब कैसा लगता है? क्योंकि आई एम कलाम के बारे में भी हमें मालूम है कि एक बहुत लंबी फहरिस्त है, मतलब कितने अवार्ड्स मिले शायद गिनती करना भी मुश्किल है, और पद्मश्री भी आपको मिला 2016 में पिछले साल, तो कैसा लगता है, मतलब अवार्ड्स मिलना जो है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? अवार्ड्स दो चीज़ें करती है, एक तो बड़ा रिस्की वाला मामला भी है, बिकॉज अब ये अवार्ड मिल गया तो फिर बाद में क्या, ठीक है। तो मैं तो इतना एम्बिशियस आदमी कभी अवार्ड और पैसे के पीछे हूँ नहीं, बट नेवरदलेस स्टिल गिव्स यू दैट कि आपको अवार्ड जब मिलती है, इट गिव्स यू लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप प्रेशर ऑल्सो, बट आई नेवर यू नो, आप अगर किसी को पूछेंगे, मैं जब फिल्म सेट में जाता हूँ, आई गो एज एवरी डे एज अ न्यू डायरेक्टर, मैं कभी अवार्ड पीछे पकड़ के या चार फिल्म पकड़ के नहीं जाता हूँ। मैं एक अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, एक फिल्म में किया और उसमें फेल भी रहा। जब आप वो रूप लेके आते हैं कि मैं इतने अवार्ड लेके आया हूँ, पद्मश्री लेके आया हूँ, पांच फिल्में मेरे शोल्डर पे है, यू आर एक्चुअली अ फेल आर्टिस्ट। आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप एक नया आदमी है, नए रूप से देखते हैं। अवार्ड का फायदा ये है कि यस, इट गिव्स यू अ एप्रिसिएशन, इट गिव्स यू लिटिल होप दैट यू डूइंग गुड, इट गिव्स यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ आपको अच्छे काम और करने के लिए। तो दोनों साइड है, अगर जैसे आप लेना चाहेंगे, बट डेफिनेटली अवार्ड इज लॉट ऑफ सपोर्ट जी। नीला जी, आपकी पहली फिल्म आई एम कलाम, उसके बाद जल परी, उसके बाद बबलू हैप्पी है, फिर कौन कितने पानी में, अब ये कड़वी हवा, आपके टाइटल्स बड़ा फैसिनेट करते हैं और आपका नाम भी फैसिनेट करता है, तो ये आपके नाम की वजह से आपको नामों में कुछ इंटरेस्ट रहा है? नीला का मतलब, ये नाम के ऊपर तो नीला इज ब्लू, बट नाम के ऊपर काफ़ी लोग पूछते हैं, बट मेरे पिताजी ने रखे थे नाम, और उनके लिए सिंपल सी बात था कि वो लॉर्ड जगन्नाथ का दूसरा नाम और एक नाम है नीला माधव, नीला माधव इन ओडिया जी, तो उसी से ही आया।
लड जगन्नाथ से पूरी से नाम आया। और जहाँ तक फिल्मों के नाम है, फिल्मों के नाम हमेशा मेरी कहानी के साथ जुड़े होते हैं, तो उसमें मेरे को कैलकुलेशन बैठाना नहीं होता, कुछ नहीं होता, उस फिल्म से ही उसी कहानी के एक रूपांतर है नाम। तो इसलिए जितना क्लोजली रहते हैं, मैं ये नहीं होता कि ऐसा नाम चलेगा नहीं चलेगा, मैं कुछ नहीं सोचता, कहानी के साथ फिट बैठता है तो नाम आती है, तब वो नाम भी अच्छा हो जाता है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं अपने आप में। अब कड़वी हवा की बात करें तो इस फिल्म को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, लोग सोचना शुरू हो रहे हैं, एक अवेयरनेस जनरेट हो रही है, फीचर फिल्म से अवेयरनेस आना अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो अब आप आई एम कलाम का सीक्वल भी तैयार कर रहे हैं, उसका एक नेक्स्ट फिल्म आने वाला है, तो बच्चों पे आप जो काम कर रहे हैं, आपने कहा कि मीनिंगफुल सिनेमा की बात कर रहे हैं, आर्ट हाउस की बात कर रहे हैं, अब बहुत रूम, बहुत स्पेस, बहुत स्कोप हमारे पास है सिनेमा के लिहाज से बात करें, लेकिन फिर भी बच्चों पे बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं बनती हैं, बहुत सारे नीला माधव हमारे पास क्यों नहीं है? शायद लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। मैं तो बोलूँगा ये रिस्क नहीं है, सबसे बढ़िया आप अगर बिजनेस बोलेंगे तो सबसे बढ़िया बिजनेस है, बिकॉज इतना बड़ा ऑडियंस है बच्चों के लिए, आप कैसा भी बढ़िया फिल्म बना लें दबा दब चलेगी। लेकिन ये शायद कोई ये हु कम्स फास्ट वाली बात है, अंडे या मुर्गी जी। तो लोगों की डिमांड देखेंगे कि वो पहले बनाए और लोग खा रहे हैं कि नहीं देखेंगे। नेवरतलेस आप अगर देखेंगे बच्चों की फिल्म की रेशियो तो बहुत कम है, लेकिन जितने फिल्में आई हैं उसकी सक्सेस भी बहुत बढ़िया है। तो बच्चों की फिल्म नहीं बनाने के पीछे मैं कभी भी रीज़न ढूंढ के मेरे को नहीं मिला है, एंड इट्स अ शेम दैट इंडस्ट्री डजंट मेक किड्स फिल्म, हार्डली 2-3 फिल्म से मेक, वी शुड मेक मोर फिल्म्स विद चिल्ड्रन। एंड वो फोकस नहीं होता है, अर्नेस्ट एफर्ट नहीं होते दैट यस वी हैव टू मेक सम फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन टू। वो आ जाए अपने आप किसी स्टोरी में वो अलग बात है, बट सोच के बच्चों के लिए उस इनोसेंस, उस स्वीटनेस, उस सिंप्लिसिटी, उस सैंक्टिटी के साथ कोई फिल्म बने, ये बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है और हो नहीं रहा है जी, लेकिन अभी जी, तक जी। लेकिन गुलजार साहब का आपने बीच में जिक्र किया था, तो उनकी मासूम फिल्म हमें याद है, बच्चों पे उनकी किताबें कहीं आ चुकी हैं, और दूरदर्शन के लिए उन्होंने सीरियल्स वगैरह बनाए हैं, कार्टून्स उनके आ चुके हैं, उन्होंने आपकी फिल्म कड़वी हवा के लिए उसको न सिर्फ पसंद किया ही, बहुत बड़ी बात है कि उस पर एक उन्होंने कविता लिखी है कड़वी हवा को देखने के बाद में। हम चाहेंगे प्लीज हमारे जो व्यूअर्स उनके साथ आप शेयर करें। तो गुलजार साहब ने फिल्म देखी जी, उनको फिल्म काफ़ी पसंद आई, उन्होंने बोले कि एक ऐसे क्लाइमेट के ऊपर फिल्म बनाना बहुत बड़ी बात है, तो उन्होंने एक कविता लिखी हमारे लिए। क्या बात। उन्होंने ऐसा लिखा, बंजारे लगते हैं मौसम, मौसम बेघर होने लगे हैं। बंजारे लगते हैं मौसम, मौसम बेघर होने लगे हैं। जंगल, पेड़, पहाड़, समंदर, इंसान सब कुछ काट रहा है। छील छील के खाल जमी की, टुकड़ा टुकड़ा बांट रहा है। आसमान से उतरे मौसम सारे बंजर होने लगे हैं, मौसम बेघर होने लगे हैं। दरियाओं पे बांध लगे हैं, फोड़ते हैं सर चट्टानों से। बांधी लगती है ये जमीन, डरती है अब इंसानों से। बहती हवा पे चलने वाले पांव पत्थर होने लगे हैं, मौसम बेघर होने लगे हैं। बहती हवा पे चलने वाले पांव पत्थर होने लगे हैं, मौसम बेघर होने लगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। नीला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जैसा कि आपके नाम का मीनिंग हमने जाना, तो आसमान की तरह आप छाए रहें, बच्चों पर इसी तरह से फिल्में बनाते रहें, एंड वी रियली होप कि आपको देख के और लोग भी बच्चों पर फिल्में बनाना शुरू करें। हमारी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कड़वी हवा के लिए, इसके अलावा आई एम कलाम का सीक्वल आप बना रहे हैं उसके लिए, और जितने प्रोजेक्ट्स आगे आप करने वाले हैं उन सब के लिए आप इसी तरह से लोगों के दिलों में छाते रहें आसमान की तरह से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम में आपसे लेंगे इजाज़त। निदा फाजी साहब का एक शेर कि गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करते हैं, वाकई हम लोग अपने आसपास अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है aajsavere@ddkdelhi.org.in। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।